हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. मेरा नाम फरहान गौर और मैं ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूके का रहने वाला हूँ. मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता था कि जैसे इंडिया में, पाकिस्तान, इंडिया, एशियन कंट्री में ये पोस्ट लेटर, जो चिट्ठी नहीं आती थी, इसका बड़ा ही पुराना सिस्टम हो गया. आजकल बहुत ही कम आते हैं, लेकिन अभी थोड़ा स्टार्ट हो गया. ये लोग बाग ऑनलाइन फ़ोन वगैरह मंगाने लगे तो ये थोड़ा स्टार्ट होने लगा. लेकिन यूके में अभी भी बहुत पुराना सिस्टम है. मैं आपको एक बताना चाहता था, बड़ी ही यूनिक चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे हर डोर पे एड्रेस होते हैं, हर डोर पे नंबर होते हैं, तो बड़ा ही इजी होता है फाइंड करने के लिए. तो अभी मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ. ये अभी अभी थोड़ी 5-10 मिनट पहले एक पोस्ट आई है. ये देखो, डेली हमारी ऐसी ऐसी पोस्ट आती हैं. कुछ भी, जैसे काउंसिल का बिल हो, या बिजली का बिल हो, या आपके फ़ोन का बिल हो, सारे बिल आपको इसी की तरह, ये इसी के थ्रू आएंगे सारे के सारे. और कभी कभी क्या होता है, जब जैसे आप फ्लैट में रहते हैं, कभी कभी आपका जो डोर नहीं खुला होता, छोटा सा, जिसके अंदर को आपके लेटर जाते हैं, कभी कभी वो होता है, कभी बड़े पार्सल होते हैं तो उसके अंदर नहीं जा सकते, और आप सोए हो या कुछ इस तरह हो रहा हो इन द मॉर्निंग, तो वो क्या करते हैं, वो आपको ना एक ये छोड़ के जाते हैं, ये लेटर आपको छोड़ के जाते हैं. इसमें लिखा होता है आपका जो फर्स्ट नेम वगैरह, एड्रेस वगैरह, सारा कुछ. और इसमें टाइम भी लिखी होती है कि इस टाइम उन्होंने आपको ट्राई किया है, लेकिन ये आपका जो लेटर था आपने रिसीव नहीं किया. तो इस कार्ड को आपको ले जाके, जिसके नाम पे हो उसकी आईडी, इसको ले जाके आपको जो डिपो होता है ना, जो मेन वेयर हाउस होता है, वहाँ पे जाके आपको उसको रिसीव करना पड़ेगा 8 दिन तक शायद. और अगर नहीं किया तो वापस उसके सेंटर के पास चला जाएगा जिसने आपको भेजा था. तो कल परसों हमने डोल ये हमारे दरवाजे की बेल, डोर बेल नहीं सुनी, तो मुझे लगता है वो हमारा मिस हो गया. तो ये मेरा पार्सल था, तो इसको ले जाने के लिए मुझे ये मेरी आईडी है, ये ड्राइविंग लाइसेंस है मेरा यहाँ का, ये काफ़ी रहेगी. और अगर फिर भी कभी ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, या कभी कभी क्या होता है, छोटा भाई को भेज दो, या अब्बू को, या किसी को अपने घर से भेजना हो, तो आप ऐसा कर ले, अपना बैंक कार्ड भेज दो साथ में. तो बैंक कार्ड में क्या होता है, बैंक कार्ड में आपका नाम लिखा हुआ होता है, यही नाम दोनों, तो फोटो कितनी खास जरूरी नहीं होती. तो अभी देखते हैं, अभी मैं इसको लेने जा रहा हूँ और मैं आपको आगे की वीडियो दिखाऊंगा. एंड नाउ वी आर गोइंग टू गेट द पार्सल. सो बड़ा ही अच्छा दिन हो रहा है, लेकिन फिर भी सर्दी होती है यहाँ पे. कितना भी अच्छा दिन हो, लेकिन कोल्ड, इसीलिए मैंने जैकेट पहनी हुई है. यहाँ पे हमेशा बिल्कुल इतना क्वाइट रहता है. ये देखो, एक दो बंदा दिखता है, बाकी सब अपने घरों में आराम करते रहते हैं या काम पे रहते हैं. जैसे इंडिया पाकिस्तान में कोई इधर बैठा है, लड़के कोई इधर बैठे, कोई नहीं होता बिल्कुल भी, सब बिजी रहते हैं स्टडी में, काम में. बस ये देखो, बिल्कुल ही खामोशी है. और ये वीकेंड भी नहीं है, ये आज मंगल का दिन है, ट्यूसडे, और देख लो वर्किंग डे है, फिर भी कितना क्वाइट है. एंड नाउ हम आ गए हैं रॉयल मेल पे अपना पोस्ट लेने के लिए. ये देखो, और आजकल ये कोरोना वायरस हो रहा है, इसकी वजह से हर जगह पे लाइनें होती हैं. यहाँ पे डिस्टेंस 2 मीटर सोशल डिस्टेंस. यहाँ पर भी लाइन ख़त्म होने लगी है और दो मेरे आगे हैं. एंड देन इट विल बी माय टर्न. हम अंदर जा रहे हैं क्योंकि सब आ गए. ये कोई आएगा और ये मेरा जो स्लिप है मेरे पास, ये लेके जाएगा और मेरा पार्सल लेके आएगा आईडी देखने के बाद. तो अभी देखते हैं कौन आएगा. Hi, man. How are you doing? You alright? There we go, son. Oh, it's new here. Okay. Cross over one, Kirkcaldy Road. Post office, Kirkcaldy Road. All right. Okay. Is the same timing as well? Don't know what their times behind there, 10 to 2. 10 to 2. I think that's fair to opening times, aye. All right. Okay, okay. Thank you, man. Thanks. थैंक यू. वो कहते हैं कि आपका जो पार्सल है वो दूसरी जगह पे है.
तो भैया हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए वो काफ़ी दूर है तो वो ऑफ नहीं कर सकते, उसके लिए मुझे कार में जाना पड़ेगा। तो अभी मैं देखता हूँ कि अभी जाऊँ कि कल को जाऊँ। तो लेट्स सी, जब मैं गया था वहाँ पे, क्या आपने एक चीज़ नोटिस की? अगर नहीं किया तो मैं आपको बताता हूँ। यूके के अंदर आपने देखा हो कितना पोलाइट रिस्पेक्टफुल हर किसी का नेचर होता है। मैं वहाँ पे गया, उसने वेलकम किया, थैंक यू कहा। उसके जाने से पहले जब मैं लाइन में खड़ा हुआ था, जो लड़का मेरे आगे था, मेरे सामने था, उसने पहले मुझे थैंक यू कहा कि इंतज़ार करने के लिए शुक्रिया। फिर मैं अंदर गया, उसने वेलकम किया, उसने थैंक यू कहा। फिर मैं बाहर आया, मैंने उस औरत को थैंक यू कहा जो मेरे पीछे खड़ी हुई थी लाइन में। तो एक दूसरे की इतनी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है देख के। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं काम के बाद गया था और अपना पार्सल लेके आया, और थोड़ा दूर था तो मुझे कार से जाना पड़ा। ये मेरा पार्सल है, ये थोड़ा बड़ा था इसीलिए डोर के थ्रू नहीं आ सका। एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आपको दिखाता हूँ कि यूके की लाइफ कैसे कटती है और कैसे इन्जॉय होती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले और घंटी बजा दो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।